ਪੰਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਬਾ ਪਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੂਈ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ड्रम सीडर दे नाल झोने की बिजाई की जा रही है ते पंजाब दा पहला किसान है जिस वल्लों ए वक्री पहल की गई है। ड्रम सीडर दे नाल झोने की लवाई नाल लेबर की घाट पूरी होगी ते महंगे भा दे डीजल नाल दिनों दिन डिगदे पानी दे पद्धर ते भी कारगर साबित होगी। मैनु लगता भी दूजी मशीनों नो बहुत ज्यादा सस्ती है जी ते क्योंकि किसान वास्ते हक जां दूजी मशीनां तुसीं आ ला लो भी 4-5 लख तों लै के 15 लख तक उह किसान दे मतलब के बजट तों बाहर नहीं उह इह सिर्फ सौखी तकनीक आ इह बच्चे तों लै के बजुर्ग तक इहनूं मतलब के जिहड़ा मर्जी बंदा बीज सकदा इक इक कल्ला बंदा बीज सकदा जी उह इक दिन दे विच जी इक घंटे दे विच इक एकड़ बीज देना बंदा जी। इधर असीं ट्रायल कर रहे पहली बार ट्रायल हो रहे हैं सानूं लगता गा कि जे जिहड़ी कमियां रहि गईआं अगले साल असीं पूरियां कर दांगे तो डायरैक्ट स्विंग दे विच बहुत वधिया कामयाब होगी। यह छोटे किसानों लिए तो यह वरदान सिद्ध होगी जिन्होंने लेबर की कमी हैगी टाइम नहीं मिलता गया कई बार छोटा किसान होंगे गा उन्होंने लेबर बड़े किसान खिंच के लै देंगे उन्होंने बड़ी मुश्किल आती है वह बहुत आसान तरीके नाल अपनी यह जीरी बीज सकता है। पहली गल तो मैं माण महसूस होंगे यह जे किसान वीर जे जहाँ उपराला करते हैं जी नवी तकनीक लिया गए उन्होंने पास करते हैं जी तो होर किसान प्रेरित होकर तो जी पानी की बचत होने लग जाती है जी खर्चा बचन लग जाए डीजल खर्चा जी लेबर का खर्चा बहुत बचता है जी तो बाकी नवी तकनीकों ने सानू आने वाले समय से जरूर वरतनिया चाहिए ने जोड़े सरकार के हालात ने जी वो हूँ बहुत किसानों के प्रति माड़ी ने गए तो ना सानू किसी फेरबदल का कोई रेट मिल रहा होर फसलों का भी असी फेरबदल कर सकी जी तो हूँ पनीरी बीजते हैं उसे भी 10 से 12 हज़ार रुपया जी भी 5-7 किलों की पनीरी का खर्चा होंगे जी सानू ये चीज़ अपनाने नाल जी पानी की भी बचत होनी है लेबर का भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बचाव रहना जी तो बाकी ट्रायल संतोख सिंह ने कराया जी आने वाले समय से देखते हैं भी ये कि